आला अफसरान और जेटी की हिदायत के मुताबिक HFAC DCP वेस्ट जोन हैदराबाद और पुलिस कमिश्नर ने अफसर गांजे की फरोख्त की गैरकानूनी सरगर्मियों को रोकने और धूलपेट इलाके में गांजे की लानत को ख़त्म करने के लिए पुलिस मंगलहाट ने गांजे के खास तौर पर काबिल कदर मकदार में फरोख्त और सप्लाई के बारे में सुराग और मालूम इकट्ठी करना शुरू कर दी। जबकि बदनाम जमाना मंशियात के मुजरिम आकाश सिंह के जरिए गांजे की बाकायदगी से सप्लाई के बारे में मुसद्दिका मालूमात इकट्ठी की। इतला मिलने पर आकाश सिंह को पुलिस मंगलहाट ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 20.5 किलोग्राम गांजा भी बरामद हुआ। आप सब लोगों को मालूम है गांजा के ऊपर एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट किया गया। पिछले 2 महीनों से वेस्ट जोन के पुलिस ने करीब 200 लोगों के ऊपर हम लोग ये गांजा के जितने भी इम्पोर्टेंट डीलर्स है, ड्रग पेडलर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब लोगों को अरेस्ट करें। इसमें खास करके मंगलहाट धूलपेट के एरिया में करीब एक 40 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए, इसमें कम से कम 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तार करें। ये सब लोग अभी जेल में हैं। कल मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्यूज्ड है आकाश सिंह, 32 ईयर्स लोअर धूलपेट का रहने वाला है। ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका काम है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ये खुद करता है, वाइजैक से यहाँ पे लेके आके गांजा बेचता है। ये इम्पोर्टेंट लोगों में से एक अच्छा बड़ा ड्रग पेडलर है। इसको कल हमारे SHO रवि, मंगलहाट के SHO रवि और उनका पूरा टीम इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसको अरेस्ट करे आकाश सिंह को। इसको अरेस्ट करने के बाद इसके पास से 20.5 kg गांजा रिकवर करें। इसमें ये ऑलरेडी आदमी इससे पहले भी जेल जा चुका है, 4 केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ये 4 केसेस भी धूलपेट एक्साइज और पुलिस में रजिस्टर हुए। इसको अभी कमर्शियल क्वांटिटी में ये सीज किया गया। अभी इसके पास जितना बरामद हुआ ये, इसके बाद इसके ऊपर PDB एक्ट लगा के इसको फिर हम लोग इनिशिएट करके फिर इसको रिमांड को भेजेंगे। सब ये जितना आप इतना पुलिस वाले गांजे के ऊपर इतना जो मुहिम चला रहे हैं उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर गांजा आ रहा है, अभी पिछले 2 महीने से जब से हम लोग ये स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करें, अभी आप देखो धूलपेट में गांजा मिलना काफ़ी मुश्किल है। मिल रहा होगा लेकिन काफ़ी बहुत 99.9% तो हम लोग हिम्मत से कह सकते हैं कि गांजा अभी फिलहाल इस समय तो मिलना मुश्किल है धूलपेट में पूरे, क्योंकि 200 के ऊपर लोगों को अरेस्ट करके सारे लोग अभी जेल में, जितने भी इम्पोर्टेंट पीपल है इसमें, जितने भी ये ट्रेड में इन्वॉल्व है, रेड करके उनके घरों में कहीं भी ये लोग छुपा के रखे गांजा दुकानों में, इन सब लोगों को रेड करके सबूत के साथ इन सब लोगों को अरेस्ट करें और सब लोग अभी जेल में हैं। तो इनके ऊपर काफ़ी लोगों के ऊपर PDB एक्ट इनिशिएट करें। 6 लोग के ऊपर ऑलरेडी इनिशिएट हुआ, अभी 15 के ऊपर अभी हम लोग और करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पीपल हैं इन सबको इनके ऊपर निगाह रखें और जब फिर से ये लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो इनके ऊपर PD एक्ट लगाएंगे, ज़रूर इनको जेल भी जाएंगे। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश, नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर। जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद।